गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स में जो अपना चैप्टर चल रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी, आज इस पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और लेते हैं हम, वो है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या दे रखा है, 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए हरिशंकर का नव स्थापित कारखाने के लिए निम्नलिखित लाभ हानि खाते से कर योग्य व्यापार की आय का निर्धारण कीजिए। तो नव स्थापित है, एक तो पहली बात प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है जिसमें सैलरी एंड कमीशन, इंटरेस्ट पेड, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, प्रीमियम एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन टेक्निकल नाउ हाउ, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट। इधर क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये दे रखे हैं। अब अन्य सूचनाएं जो दे रखी है, अन्य सूचनाओं में देखिए उनकी अन्य सूचनाएं इस प्रकार से है, श्रम कल्याण व्ययों में 10,000 रुपए अनुमोदित उपादान निधि में 31 मार्च 2020 से पूर्व जमा कराए गए अंशदान सम्मिलित है। ब्याज की राशि का भुगतान अफ्रीका में एक अनिवासी को हुआ है जिस पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं हुई है, कर भी नहीं चुकाया गया है। औद्योगिक तकनीकी प्राप्त करने हेतु एक मुश्त भुगतान 1 अगस्त 2019 को किया गया है। 31 मार्च 2020 को स्थायी संपत्तियों की वास्तविक लागत निम्नानुसार थी, 1 अगस्त 2019 को क्रय की गई मशीनें 20 लाख, 1 अगस्त 2019 को क्रय किया गया फर्नीचर 20 लाख, कर्मचारियों के निवास हेतु 1 दिसंबर 2019 को बनाए गए मकान की 3 लाख की भूमि सहित लागत 10 लाख, और 1 अक्टूबर 2019 को कारखाना भवन खरीदा उसी दिन से काम आया 10 लाख, प्रारंभिक व्यय कुल 3.5 लाख व्यय किए गए जिसमें से 1/10 भाग इस वर्ष से अपलिखित किया गया है। विविध व्ययों में बिना लाइसेंस माल आयात के कारण देय 10,000 का अर्थदंड सम्मिलित है। निर्यात किए गए माल पर चुकाए गए उत्पाद कर में से 10,000 रुपये वापस प्राप्त हुए परंतु उसे लाभ हानि खाते में नहीं दिखाया गया है। कारखाने में उत्पादन 1 जून 2019 को प्रारंभ हुआ, करदाता ने व्यापार से संबंधित उत्पादन प्रारंभ करने से पूर्व 3 वर्षों में वैज्ञानिक अनुसंधान पर निम्नलिखित व्यय किए हैं, 1 शोध अधिकारी का वेतन 2,86,000, शोध हेतु प्रयुक्त सामग्री 1,67,500, शोध अधिकारी का भोजन का व्यय 6,000 और शोध प्रयोगशाला का किराया 7,000। तो सबसे पहले अपन नेट प्रॉफिट लेते हैं। नेट प्रॉफिट एच पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यह है 21,75,000। अब इसमें वो मदे ऐड करेंगे जो डिस अलाउड एक्सपेंसेस के रूप में है, ऐड करेंगे एक्सपेंसेस डिस अलाउड। देखिए सबसे पहले डिस अलाउड में अपन ले सकते हैं जो इंटरेस्ट है वो 10,000 रुपए डिस अलाउड है, जो बिना टीडीएस के है इंटरेस्ट पे वो है 10,000। उसके बाद देखिए एक्सपेंसेस एंड टेक्निकल नाउ, एक्सपेंसेस ऑन टेक्निकल नाउ, इसको अलग से अपन सेपरेटली डेफिनेशन लगाएंगे तो 11,00,000 रुपए ये हो गए। इसके बाद प्रीमियम एक्सपेंसेस एक बार इसे अलाउ करते हैं, फिर बाद में इसको अलग से सेपरेटली अलाउ करेंगे जो डेबिट हो रखे हैं 35,000। उसके बाद पेनल्टी जो चुकाई गई है वो डिस अलाउड है, पेनल्टी के अमाउंट है वो है 10,000। तो इस तरह से डिस अलाउड एक्सपेंसेस ही हो गए 11,00,000 और 55,000। ये ऐड करेंगे तो 33,30,000। अब इसमें एक इनकम जो ऐड करें, जो नई शो की जो इनकम नॉट क्रेडिटेड एट ईयर
वो है बिजनेस इनकम है, ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ इंपोर्ट ऑफ एक्साइज, एक्साइज की जो वो है 10,000, डीएड करेंगे तो 33,40,000। अब इसमें से लेस करेंगे 33,40,000 आ गए, अब इसमें लेस करें एक्सपेंसेस अलाउड, जो अलाउड एक्सपेंसेस है उसमें एक तो अपने को लेना है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और एक डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स और एक लेना अपने को एक्सपेंसेस ऑन साइंटिफिक रिसर्च। इन तीनों के लिए अपने को एक वर्किंग नोट बनाएंगे। एक्सपेंसेस ऑन साइंटिफिक रिपोर्ट में तो जो खर्चे दिए गए हैं उसमें से 286,000 रुपए के सैलरी के, ये अलाउड है 286,000, एक तो ये अलाउड है। इसके अलावा 1,67,500 रुपए सामग्री के, ये अलाउड है। लेकिन जो डिस अलाउड है उनमें शोध अधिकारी का भोजन का खर्चा और प्रयोगशाला का किराया, ये डिस अलाउड, तो ये दोनों तो अलाउड है 4,53,500। अब डेप्रिसिएशन के लिए एक आप अलग से वर्किंग नोट बनाए जिसमें अपन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन एसेट्स, तो इसके लिए आप अलग अलग एक कॉलम बना दें कि एसेट्स कौन सी है और इसका अमाउंट कितना है और इसकी रेट क्या लगाएंगे और डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्यों आए, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्योंकि ये नया प्रोजेक्ट है तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इस हिसाब से आएंगे। तो सबसे पहले देखिए मशीनरी 1 अगस्त को खरीदी गई है, 180 दिन से ज्यादा हो गए, 20,00,000 का अमाउंट है और रेट लगेगी 15%, तो 15% से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3,00,000 रुपए प्रोजेक्ट की कॉस्ट में पूरा अमाउंट आएगा 20,00,000। अब इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन क्योंकि ये नई मशीन है तो 20,00,000 पर 20% के हिसाब से यह आएगा 4,00,000। ठीक है, अब देखिए फर्नीचर, दूसरा है फर्नीचर, फर्नीचर का ब्लॉक अलग होगा, इसमें 20,00,000 का फर्नीचर है और ये ब्लॉक बनेगा 10% की रेट से, ये भी 180 दिन से ज्यादा है तो 2,00,000 और प्रोजेक्ट की कॉस्ट में 20,00,000 आ जाएंगे। उसके बाद जो रेजिडेंशियल हाउस है, रेजिडेंशियल हाउस उसमें 3,00,000 भूमि के हैं लेकिन ये 1 दिसंबर के बाद है तो 180 दिन से कम हो गए तो हाफ रेट लगेगी, तो 10% की बजाय 5% लगाएंगे और भूमि की छोड़ के उसको 7,00,000 की लगाएंगे, तो 7,00,000 का 5% 35,000। लेकिन इस पर प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो है 7,00,000, लेकिन प्रोजेक्ट की कॉस्ट में लैंड भी शामिल होगी तो लैंड पर डेप्रिसिएशन तो नहीं लगता है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट में इसको शामिल करेंगे। फिर है टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ का जो अमाउंट है वो 11,00,000 और इसकी जो रेट होती है 25%, 11,00,000 का 25%, 2,75,000। एच
चाहिए। पांच लाख 35,000 और हाफ रेट है तो ये 17,500 हाफ रेट लगाएंगे। इसका टोटल करें तो ये डेफिशिएंट आ जाएगा 4,3,7,9,9 और 11,12,92,000 और ये बजट की कॉस्ट आ गई 7,00,000। अब इस आधार पर अपन देखें तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 1/5 जो है 1/5 इस जो 5% बजट की कॉस्ट का 5% और 1/5 होगा तो 60,00,000 का 5% निकालेंगे और उसका 1/5 एक कटौती इस साल देंगे तो 12,00,000 हो गए। 12,00,000 का 1/5 हो गया 2,60,000 60,00,000 का 5% हो गया 3,00,000 3,00,000 का 1/5 60,00,000 और डेप्रिसिएशन आ गया 12,92,500 ये ऐड करें तो 0, 0, 5, 5, 10, 16, 3, 19, 1, 3, 5, 8 और ये 18,00,000 तो ये अपन ऐड करेंगे लेस करेंगे इसमें से 18,06,000 लेस करेंगे तो ये बच गए 40 में से चले गए 34,000 और 18 में से गए तो 15,34,000 ये टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस ये इस तरह से आ जाएगा। अब कुछ प्रैक्टिकल और आप करेंगे घर पे उसको आप मैं होम असाइनमेंट में दे रहा हूँ तो उसको आप सॉल्व करना।